नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैग न्यूज। मारा गांव मारा सरपंच की अगली कड़ी गांव प्योदा में आ पहुंची है, जो कैथल शहर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। तो प्योदा गांव के लोगों से जानते हैं कि पिछले प्लान में उनके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और फिलहाल उनकी क्या समस्याएं हैं और कितने काम उनके गांव में अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपसे रूबरू होंगे दोबारा से फिर, और गांव की वो दुर्लभ तस्वीरें, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो मीडिया की पहुंच से दूर होती है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो गांव के अंदर की तस्वीरें हैं, जिनको हर कोई ग्रामवासी देखना पसंद करता है। तो आप बने रहिए। स्टेडियम है अपना गांव में ना भाई? पीने का पानी ठीक आवे गांव में? हां बढ़िया, सही आवे पीने। हां निकासी है गांव में ठीक, पानी की निकासी? हां बढ़िया। लाइब्रेरी है कोई गांव में? लाइब्रेरी तो कोनी भाई, लाइब्रेरी नहीं है भाई, बस एक स्कूल है बंडा, उसमें जा रहे हैं। उसमें जा रहे हैं मतलब खेलन कूदन उसमें जा रहे हैं? हां हां। मतलब ग्राम पंचायत की तरफ तक कोई ऐसा स्टेडियम ना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरह स्टेडियम की? अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं। हां, जैसे दारू पैसे जात पात परिवारवाद ये सारी चीज़ चल रहा है चुनाव में, हाँ। तो क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई? होनी भी चाहिए नहीं भी होनी चाहिए, क्यों? मतलब दारू बंटनी चाहिए? बंटनी चाहिए यार, बंटनी चाहिए। और क्या बंटनी चाहिए? काम नहीं बनते बिना दारू तो भाई। अच्छा, बिना दारू कोई काम नहीं होता ना है? ये आपका गाँव का रूल है या वैसे आपकी सोच है? भाई मेरी सोच ये तो है नहीं भाई जो दारू चले। अच्छा, बाकी गाँव में सब चलता है। ना मैं कौन कर दी भाई कुछ हो? अच्छा, ना वो बता दे, पानी पुनी आवे पीने का? आवे। अच्छा, पानी की कई बार समस्या भी आवे? हां। की समस्या आवे? सड़ सड़ जाए मोटर संभाल दा कोनी। अच्छा, मोटर सड़ जाए फिर पंचायत संभाल दी नहीं? ना। कितना दिन सड़ी रहवे? दो पांच सात दिन तो लग जा करे मां, अब तो भी लग जा। अच्छा, अब तो भी लग जा। वोट तो गेड़ा बेटा, वोट मां में गेड़ कर आ गया अपना। अच्छा, नहीं मेरा लगदा किसका गेड़ का ही न्यू तो मेरा लगा लगता क्या होता मेरा लगता होगा फिर पिल्सन पल्सन आवे टाइम पे आवे ना मेरी तो सेंटर की स्वास्थ्य है। जो मान लीजिए आप दवाई बट्टी लेवा वो कैथड़ दा लेके आओ गांव में, मैं ले लियो गांव में है कोई? तो घर कट ले हूं ना ना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है कोई या प्राइवेट डॉक्टर पे ले? मेरा और दवाई लग दियो कोनी घर तक सुए। वह काम कुम तो कुछ नहीं हो, वह कोई काम नहीं हो रहा, हमारा काम का तो कोई विकास नहीं। जोड़ खुदवाए थे वो जोड़ उल्टे फिर पानी के भर रहे हैं, गाड़ा में पानी लिखड़ लग रहा सारा। अच्छा, हाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा काम का तो। मतलब गाड़ गूड़ बनी हो ना? कुछ नहीं बनिया, कुछ भी नहीं बनिया। मतलब एक बार एक एक करके गिनाओगे कि कितनी समस्याएं? समस्या ये तो सारी समस्या, बोर खराब हो रहे हो रहे हैं, पानी की भी समस्या है, और गाड़ा में ये जोड़ भरे खड़े हैं खुदवाए ना, वो खुदन दे लोगों ने ये लाले थोड़े खुदे हैं, वो खुदवाए को किसी भी रूसर, और नहीं वो पानी भरया गाड़ा में पानी आ रहा, नहीं वो सारी सड़क गली टूटी पड़ी है, पंचायत भवन की गाड़ है वह सारी जो टूटी पड़ी लिखने मिल रहा। मैं तो बढ़िया चाहवा भाई, जो काम गाँव का निकास बढ़िया से बढ़िया काम करेगा वही चाहवा, उसे ना चाहवा कोई भाई। दारू के कहा था, दारू के निकलते ठेके भी बैर करवाए देंगे, दारू के खुरदे जगह जगह खुरदे हो रहे हैं, जगह जगह ठेके हो रहे खुल रहे हैं, इनने भी ये भी बैर होने चाहिए। इतनी दारू हमारा गांव में भी गई, इतनी तो मेरे ख्याल शहर में नहीं बिकती होगी। अच्छा, जगह डिंग डिंग गले खुरदे हैं, उरा खुरदा ओड़ा खुरदा सारा खुरदे हैं। तो क्या सही है?
सही तो ये कोई बन तो को नहीं करता चना में तो सारे दावे करके जाओ मैं न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे चाहे मैं करूँ वाले चना में तो हाँ भर लेंगे पाछा तो नहीं करता कोई अच्छा तू कर जात पात भी चल रहा पगड़वाद चल रहा ना ना जात पात का हमारे गांव में कोई सिस्टम नहीं है सारे भाईचारा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया दरवा विकास कार्य बहुत हुए हैं जी बहुत है जी हो बताओगे सारी गाड़ा होगी जितने शमशान घाट थे जितने जोड़ कुए थे सबके सुधार हो रहे हैं अच्छा, पीछे लोग कह रहे थे कि जोड़ की खुदाई तो कर दी लेकिन वो अभी तक पूरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाई वो एडजस्टमेंट तो ऐसे नहीं हो पाई गांव वाले की अड़चल है इसमें अच्छा जो चार दुआरे निकली थी जी वो गाँव वाले की अड़चल है पंचायत की कोई हुआ नहीं है इसमें गांव में कोई स्टेडियम है अपने गांव में गांव में स्टेडियम अभी नहीं होया नहीं है उसकी जमीन पड़ी है अच्छा। अभी स्टेडियम नहीं होया उसको लाइब्रेरी है गांव में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए नहीं वो स्कूल में ही है अच्छा स्कूल है वो तो बस लाइब्रेरी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत की तरफ तक कोई लाइब्रेरी नहीं है जी स्कूल कितने तक का अपना स्कूल अपना प्लस टू तक का है 12 हाँ साइंस साइंस भी है सामाजिक भी है हिंदी संस्कृत सभी है उसके कोई यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह या कोई मिनी हॉस्पिटल वगैरह अपना गांव पे उदा में है हाँ डिस्पेंसरी भी है सरकारी हाँ सरकारी पंचायत भवन भी है चलता नहीं है जी ये जिस तरह देखो ये एससी में हैगी ये एससी में जो जिम्मेदार हैं इनकी खैर रखी है वे थोड़ी रहने देवेंगे वो एक मन उठावेंगे एक दूसरा उठावेंगे पैसे तो उनती लाने हैं सरपंच भी उन्नति करनी है क्यों करनी होती है ऐसे वो तो ये क्यों जो ऐसी कास्ट है दबाव में है जी अभी लग भी दबाव में है अच्छा मतलब आपका नजरिया है कि हाँ भाई मेरा नजरिया ये है भाई आज लग हमारे जो ऐसी भी सी है नहीं है आज लग ये दबाव में है अच्छा अपना गांव में कितना काम हो गया पिछला प्लान में गाड़ गुड़ बन रही है हाँ बन रही है भाई पानी पूनी पीने का ठीक आवे बिल्कुल बढ़िया हुआ गांव में स्टेडियम है खेलने का बच्चों के लिए हाँ है भाई छोटा फिर नहीं मतलब वो पंचायत की तरफ से है खुद बड़का ने बनाया रखा पंचायत की तरफ से पंचायत की तरफ से हाँ। उसमें सारी सुविधाएं हैं हाँ आधी सुविधा है आधी को नहीं है लाइब्रेरी है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गाँव में कोई ना लाइब्रेरी नहीं है स्कूल है बड़ा स्कूल वो तो स्कूल है लाइब्रेरी नहीं है लाइब्रेरी अच्छा गांव में जैसे कोई डिस्पेंसरी वगैरह कोई डिस्पेंसरी है डिस्पेंसरी है उसमें मतलब लोग दवाई दुई लेकर आवे हैं या वैसे ही वो लेकर आवे लेकर आवे तो अभी इस तरह है मतलब अगर सरपंच का इसमें कोई कसूर नहीं होता अच्छा क्योंकि कोई गल्लाड़ा भी हुआ है कोई विरोधी भी हुआ है अच्छा इसमें अगर कोशिश भी करा है तो कोई ना भी करने देता काम में अच्छा जैसे हाँ। सरपंच का कल्ला की बात नहीं कह रहे हाँ। ग्राम पंचायत में पंच भी हुआ है साथ में हाँ बिल्कुल तो क्या जो परिवारवाद है एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो जो परिवारवाद है जातवाद है या बगड़वाद है उनते ऊपर उठ का काम करवाने चाहिए उसने या नहीं करवाने चाहिए बिल्कुल करवाने चाहिए भाई साहब तो फिर ये एक बात बताओ कि कितने काम करवाए हैं गांव में और कितने नहीं करवाए हैं उनका ब्यौरा दे दो एक बार देखो बहुत सारे काम हुए भी हैं ऐसी बात नहीं है मतलब सड़क बहुत बढ़िया बढ़िया बन रही है एक आधी का दिन छोड़ का मतलब बीच बीच में रहते जाओ अच्छा जोड़ा ही खुदाई करवाई है जोड़ा का काम भी रुक गया बीच में अच्छा क्यों रुक गया वो किस वजह से रुक गया आपस की मतलब कलाई की वजह है हां आपस की खिंचातानी का वजह से रुक गया या कला की वजह से रुक गया अच्छा गलिये और जोड़ा ने छोड़ कर कोई और काम करवाया हो गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह है गांव में ना भाई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है ये जो सीटिंग के लिए मतलब चौका बनाए जाओ वो भी चीज़ नहीं है अच्छा वो है तो बहुत कुछ नहीं है एक बार बताओगे आपकी नज़र में किक के नहीं है
अच्छा, एक तो सबसे मेन बात तो हो गई लाइट वाली। अच्छा हाँ, अच्छा एक अपना जो मतलब पशुओं की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, सड़कों पर पशु रहे हैं। अच्छा नाली की पानी की समस्या है, पानी की समस्या मतलब जो बनाए जावे बार बार नाले, लेकिन वही अभी ठेकेदार का काम है जैसा। हाँ मतलब अपनी मर्जी का जैसा सीमेंट लगाए जैसा और इतनी बजरी जिसका मटेरियल हुआ वो अपना हिसाब से लगावे। गांव में कोई स्टेडियम है बच्चों के लिए खेल का? है स्टेडियम पर बीच में पड़ा है, जगह छूट रही है उसकी, गवर्नमेंट की जगह है जितनी भी दी गई है जगह, लेकिन ना उसकी चार दीवारी है। मतलब ग्राम पंचायत की तरफ तक खड़ा कराया गया हो या वैसे ही मतलब जगह जगह है बस और कुछ नहीं है उसमें? जगह जगह है अभी तो, अब और कुछ नहीं। हाँ पीछे पेड़े भी लगाए गए थे सरपंच के द्वारा, पर लोगों ने छोड़ दे नहीं, वो डांगर आपस में खड़ा दिए, डांगर खा गए उसमें तो कुछ पेड़े। सर इस तरह मतलब पंचायत तो अपना सपना तो काफ़ी दिन तक यही है जो देखो भाई अच्छी सड़कें हो, अच्छा पानी की निकासी हो, लाइटों का प्रबंध अच्छा हो, पर हो नहीं पाता आपसी कारण की वजह से लगा लो, आपसी खिंचातानी की वजह से लगा लो, कौन नहीं पाता अपना आपस का स्वार्थ मार दिया। सबसे बड़ी बात है आपस का स्वार्थ, कैसे उसका दारू कैसे ठीक हो उसका, जात पात कैसे ठीक हो उसका। तो क्या आप इनका विरोध करोगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें भी इस तरह मैं अपने दूसरे क्यों कहूँ किसी के बारे में, मैं अपनी बात बताऊँ। अगर मैं विरोध करना खड़े हो ना तो मेरे परिवार के लगा लो, अपने जानकार लगा लो, वहीं प्रेशर में ले आऊँगी किसी बात की। मतलब परिवारवाद का प्रेशर में रहना पड़ा, परिवारवाद का भी गाँव का प्रेशर हो जाए भाई तन्ने, मतलब कि यह काम लग रहा है जिस तरह भी चल रहा है तो चलने दो, हर किसी भाई प्रेशर। उसमें पिछला प्लान में कितना कार्य हुए हैं? कार्य तो बहुत ही रहे हैं भाई, हर एक पंचायत में जैसे जो भी दिखाई देवे विकास के हो या जैसे कोई भी जिसने नाजायज कब्जे कर रखे में भी बहुत हटाए जावे हैं गाँव में। मतलब एक तो विकास कार्य गिनाओगे की भाई के होया पिछला प्लान में? पिछले प्लान में जैसे एक तो गलियों का विकास भी बहुत हुआ है, पहले बहुत चिकड़ रहा करता गलियों में। अच्छा गलियां बनी? हाँ गलियां सारी बन गई, गलियों से अलग के काम हुआ है। और जैसे नाजायज कब्जे थे जो भी जोड़ों में, जैसे अच्छा। थोड़ा सा भी पानी बारिश हो जाती जोड़ हैं जो बिल्कुल भर जाया करते, लेकिन अब सारे जोड़ जो है खुद गए हैं वो, तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई गलियों तक पानी आ जाए, पीने पुणे का पानी आवे। हाँ जी बिल्कुल सही आता है, नहीं वो तो ऊपर का एरिया हो गया नहीं, ऊपर के एरिया में तो जो ज़्यादा ऊंचा हो गया नहीं वहाँ तो पानी चढ़ता नहीं है, लेकिन वहाँ भी पंचायत ने चढ़ाने की कोशिश करी है पानी। हाँ पाइप तो भाई दबे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे है ना ज़्यादा मतलब ऊंचा हो गया ना एरिया, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जैसे है। जोड़ों की समस्या ने लेकर कहें कि जोड़ों का अधूरा काम पड़ा अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, वो तो भाई देखो जैसे आपसी मन मुटाव है जिन लोगों के उनकी वजह से वो काम अधूरा रह रहा है। हाँ वैसे सरपंच ने कोशिश करी है अभी भी पहले भी, तो जैसे आपस की लायक बात जी मैं आदमी करने देते ना, तो इस वजह से अधूरा रहा है। वो स्टेडियम वगैरह वो स्ट्रीट लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं गांव में? ये थी भाई पहले, लेकिन बाद में ख़राब होने के बाद दोबारा नहीं लगी, नहीं कई बार कया भी है तो बस कहते हैं कि भाई पहले जो पहला प्लान था जो पहले स्ट्रीट लाइट की थी भाई उनके बारे में ब्यौरा दो उसके बाद ही करेंगे, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा इनके लिए। तो जातवाद चलती है, पकड़वाद चलता है, परिवारवाद चलता है, तो ये कितनी सही है और कितनी गलत है आपकी नज़र में? देखो भाई गलत तो है ही, जो नाजायज़ काम हो मैं तो हर तरफ से ही गलत हूँ मैं। अब जो भी मान ले पंचायत का मेंबर है या सरपंच ही लगा लो आप, तो ऐसा होना चाहिए ना जो पूरे गांव ने साथ ही लेके चला है। अगर किसी के दबाव में आके काम करें ना तो उसका तो फ़ायदा नहीं होता, निष्पक्ष ही काम करना चाहिए जो मान ले पंचायत मेंबर हैं या सरपंच है जो भी। काम तो सरपंच तो बतेरे करा रहे हैं। अच्छा। जी ऊपर तो देवे सरपंच हमारे पास भी बढ़िया था। अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है। अच्छा कितना का, मतलब काम बतावागा दो चार जो इस प्लान में हुए हैं? काम तो सारा शामिल ही खड़े रहे थे, जोड़ों और फ्लो हो रहे हैं सारे। अच्छा सबसे मेन समस्या जोड़ा जोड़ा की, बहुत ज़्यादा समस्या जो। अच्छा के इब कमे थे पाछे सी तो की खदवाए हैं जोड़? खदवाना तो कोई होता समाधान, खदवाना कितने बड़े जोड़ हैं, कितना निकासी होनी चाहिए? अच्छा निकासी नहीं है, निकासी नहीं है गांव में, मतलब पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है पूरा गांव में ही है, पूरे गांव में, पूरे गांव में है, सारे में जो पुराने जोड़ से नहीं, ये पुरानी बस्ती में है,
बाहर जोड़ है को नहीं। और समस्या की है गांव और भाई महाराज रोड जमा डंगर भी लंगड़े हो रहे हैं आंदे जांदे मनुष्य भी पैर जा सकदे घूमने भी जावा जमा टूटे पड़या 3 साल हो गए इसकी मांग हो रही ना कर दे। अच्छा क्या ग्राम पंचायत की तरफ तक कोई विधायक उस ते मिले हैं? मिल जत रहा है फिर के कमा है बस आश्वासन आश्वासन हो जाएगा मंजूर हो रही है आश्वासन पर टिक जावा है आश्वासन यही चीज गांव में मतलब आप मतलब परिवारवाद ले ले बगड़वाद वाद ले यही चीज करके पीछा पा कैंडिडेट देख देखो नहीं। अच्छा अपनी वा देखा मेजोरिटी भाई हमारा टब्बर बड़ा है हमारा बगड़ बड़ा है हमारा उसी के साथ लागा कैंडिडेट के पता अकेला घर हो इतना बढ़िया हो सोच का पढ़िया लिखा हो मैंने कहा उसका विरोध कर दिया और मेरा बरगान पढ़ना बने परिवारवाद की वजह से। धन्यवाद। हाँ पीने का पानी ठीक है। गली गुड़ी बन रही है? गली भी ठीक है अपनी सर। जोड़ जाड़ा की कुछ समस्या तो नहीं? जोड़ा की समस्या है। जोड़ा की समस्या? हाँ जोड़ा की समस्या। क्या समस्या है जोड़ा की? जोड़ आवर फुल हो रहे हैं निकासी को नहीं है। अच्छा गांव में मतलब पानी की निकासी? हाँ निकासी को। हाँ ये ना समस्या है गाँव में। हमारे गाँव में जो स्कूल है ना बच्चों का जैसे बच्चों का बड़ा स्कूल है जो, अच्छा तो वहाँ ना तो पीने का पानी है। अच्छा जो वाटर सप्लाई की लाइन है ना वो ठप पड़ी है बिल्कुल। और जो लाइट की व्यवस्था है सरकार नाम रजिस्टर में अपना सब कुछ दे रही है भाई लाइट दे रहे हैं कुछ दे लेकिन कल बच्चों को कोई लाइट नहीं थी। अच्छा 3-4 दिन से अब स्कूल लगे हैं 16 तारीख से कोई लाइट नहीं है कोई पंखे की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा टॉयलेट वगैरह है? टॉयलेट वगैरह नाम के हैं वहाँ कोई सफाई नहीं। अच्छा अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा है? 11th में। गाँव में पढ़ा है? हाँ गाँव में पढ़े सरकार। अच्छा क्या समस्या है स्कूल की? समस्या भी ना तो पानी पीने का। अच्छा और सारे ग्राउंड सफाई भी कौन कम रहेगी करवाई है? अच्छा ईब करा मतलब टॉयलेट वगैरह है? ठीक टॉयलेट सारे टूटे पड़े हैं। अच्छा टूटे हाँ मतलब जाकर देख सका एक भी नहीं ना टूटी ना कुछ सारे टूट रहे हैं। अच्छा ये स्कूल की समस्याएं हैं पूरी हैं। फिर पानी कड़े पियो तम पानी कड़ा कहल घर तले गए थे घर तले गए थे पानी। अच्छा कितना तक का स्कूल है? 12वीं तक का। 12वीं तक तमने प्रिंसिपल है जो या कोई मास्टर है उन तक कहा भाई? मास्टर तक गया था मास्टर ने बोले प्रिंसिपल लो जाओ प्रिंसिपल फिर नु कदे कदे आवे। अच्छा कदे कदे प्रिंसिपल है। साइंस वगैरह है स्कूल में? ना मेडिकल तो मेडिकल भी कोनी आर्ट है आर्ट विद मैथ। आर्ट विद मैथ पिछले सरपंच के प्लान में हाँ काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। के सुधार हुआ बता बाबा एक दो। ये साफ सफाई के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अच्छा और दूसरी चीज जो जैसे जोड़ है ये तालाब है हाँ। उनका सुधार हुआ है उनमें तो लोग कह रहे हैं निकासी की समस्या है जोड़ा में तो पानी की मतलब गाँव से निकासी जोड़ों में तो पानी आ रहा है सही। अच्छा तो और जैसे स्टेडियम वगैरह है गांव में? नहीं स्टेडियम तो नहीं है वैसे पंचायती किले है जिसमें मतलब बालक खेलने जाते हैं। तो अपने लेवल पर कर रहे हैं बालक? हाँ वो तो अपने लेवल पे है मतलब ग्राम पंचायत की तरफ तक कोई नहीं सहयोग नहीं है? नहीं स्पोर्ट्स में कोई सहयोग नहीं। जैसे लाइब्रेरी वगैरह है पढ़ने के लिए बच्चों? नहीं नहीं कोई लाइब्रेरी नहीं है गाँव में कोई लाइब्रेरी। स्ट्रीट लाइट वगैरह है गलियों में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पीने का पानी ठीक आवा गाँव में? हाँ ठीक आवा कभी कभार हो जाए जैसे बोर बार खराब हो जाए। नहीं वैसे ठीक है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए जो गांव में कोई डिस्पेंसरी, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल। हाँ है, पशुओं का अस्पताल है छोटा। नहीं, आदमियों का? आदमियों का नहीं है। अच्छा, आदमियों का डिस्पेंसरी नहीं है। वैसे ये महिला मंडल है, इसमें कोई जाता है नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, या जोगर का बिल्कुल शामी या समस्या है? हाँ। या कितना दिन था? बहुत दिन हो गए। मतलब बहुत कितना? फिर भी कम से कम इन्हें तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। हाँ, न्यू है बड़ी। मतलब पहलड़ा प्लान में जितनी पंचायत आली वहाँ भी रही। हाँ। हाँ। तो फिर पंचायत तक कहा था हमने भाई यू एक दो पर कट दिया भी होती। अच्छा, कट दिया मोटर मोटर दे रखे बेचारे ने। अच्छा, अच्छा फिर मैं समाज में कि उसके लिए टकने लग गए सरपंच के लिए। सरपंच का कोई खोट नहीं इसका बेचारा का। अच्छा, तो हमने न्यू नहीं कहा कि भाई यू तो परमानेंट कार्ड इसने, तो एक दो बार काटने पाछे थोड़े फिर जमा हो जा करो तो पानी फिर खेतों लखन दी थी। अच्छा, खेतों ने? हाँ। मतलब आप सीरी सकबाजी में? हाँ। तो फिर इसका इसकी पाइपलाइन तो बोई भी थी। अच्छा, खेतों में ये पूरा साधन को नहीं कोई। अच्छा, साधन भी ना खड़े आई। तो फिर या तो मतलब इसकी वजह तक किस के समस्या आ रही है तुमने? समस्या आप देख ले, देखिए रूम लग नहीं रहे। अच्छा, पानी चढ़ा है सारी सही दे रही है। अच्छा, यह समस्या तब सबसे बड़ी। अच्छा, बाकी ना न्यू रोटी खावा ठीक है, छड़ा ने मर दी जमी साफ खत्म बना दी। कीड़ा कांडा का भी डर बड़ा डर है, लिखने कोरे नाग समस्या तो बहुत है। निकलने के भी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत गया अभी माटी सी गई देखे मखन कम चम मैंने कह दिया माटी है मारा तो जब कम चम सारा मखन भी निकल जाएगा। हाँ, निटाली बनने के जाइए। तो फिर कुछ आश्वासन दिया किसी ने कि भाई मामी इतना काट डांगे या कुछ समाधान? अच्छा, पहला आए थे एक दिन नुआ देखा पानी साफ करांगे मैं खुद डांगी थी। अच्छा। बोर्ड का कोई समाधान नहीं बने। पंचायत कब है थी? हाँ, वीडियो। अच्छा, वीडियो आया था, वीडियो ने कहा भाई खुद डांगे। अच्छा, और आंदन दे रहा दिया ठीक ला क्या काट दिया। अच्छा, बोर्ड का फिर बिना भी के तो या भी के नहीं, बोर्ड का कोई समाधान नहीं बने इसका। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, नहर पर नहाने का आनंद ले रहे हो? फुल आनंद ले रहे हो। अच्छा, तारी कोई नहाती आना कोई समस्या हो नहर की? बहुत सारा घाट फुटिया बढ़िया रहे हो, पुले बंद हो रहा, जमा साहब जाड़ी अड़ी पड़ी है, इसमें सफाई को नहीं करी। तो नहाती आना बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था। कई बालक अड़क के डूब भी सका इसमें छड़े पड़े हैं। अच्छा, जैसे सरकार की तरफ तक सुनिए मैंने मनाई है नहाना तो नहर में। अरे फिर और गांव में तालाब है कोनी और कड़ा ना होता। अच्छा, सही तो मैं समूस भी नड़ा सकते साफ पानी को नहीं। अच्छा, आप ये बताओ मुख्य चीज कि नहर से अलग गांव की के समस्या है नौजवानों की? नौजवानों की गांव में खेलने के लिए मतलब ग्राउंड नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बच्चे बस अपने लिए हूँ नॉर्मल सा हूँ ट्रैक बना रखे खुद ने पैसे इकट्ठे करके। मतलब सरपंच भी कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, मतलब पंचायत की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्टेडियम से अलग गांव में कोई लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए बच्चों का? ना, ना। लाइब्रेरी? तो आपने गांव का एक एक दृश्य तो देख लिया होगा, गांव के लोगों ने जो समस्याएं रखी वो भी आपने सुन ली होगी। सबसे बड़ी जो समस्या ग्रामवासियों ने बताई वो पानी निकासी की समस्या है। गांव के जो जितने भी तालाब हैं
उनमें सभी जगह ओवरफ्लो रहता है। दूसरा, गांव के नौजवानों ने गांव में स्टेडियम की भूमिका को लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि गांव में खेल का किसी भी प्रकार का कोई मैदान ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं बनाया गया है। तीसरा, नौजवानों की जगह बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी। जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बताया कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है, उन्होंने घर से पीने का पानी वो लेकर के जाते हैं। मारा गांव मारा सरपंच में फिलहाल इतना ही, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रवीण कुमार, बैग न्यूज। अगर आप हमारे पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे पेज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।